Hello everyone, welcome to Master Cherry YouTube channel. So today I have come up with the topic how to increase the breast milk supply. ठीक है, हम breast milk की supply को कैसे increase कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन video को start करने से पहले आप सब channel को subscribe कीजिए, like करिए और share कीजिए. और कोई भी आपको doubt हो, query हो, आप पूछना चाहते हैं तो please comment section में जरूर comment करिए. तो चलिए let's start. Today's topic is how to increase the breast milk. Okay, so after delivery, सबसे बड़ा हमें प्रेग्नेंट लेडी को ये होता है कि उसकी जो मिल्क सप्लाई है, जो बच्चे को फीड करना है, वो ठीक ठाक आए, प्रॉपर आए. ठीक है, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब हम एज अ मदर, हमें पता होता है कि हमने, डॉक्टर्स हमें कहते हैं, हमें बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमने बच्चे को कम से कम 6 months तक तो अपना ही ब्रेस्ट मिल्क उसको फीड करवाना होता है, अपनी फीड पे हमने रखना होता है. ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये था कि मैंने अपने बेबी को वन ईयर टू मंथ्स तक मैंने उसको टोटली अपनी फीड पे रखा था. 6 months तक टोटली मेरी फीड पे था, 6 months के बाद वो फूड पे भी आया और मेरी ही फीड पे था. ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर 1 to 2 months, 1 to 1.5 months के बाद क्या हुआ कि मेरी जो मिल्क सप्लाई थी वो थोड़ा सा कम होने लग पड़ी थी. तो मुझे टेंशन होने लग पड़ी कि अब मैं अपने बेबी को कैसे सेटिस्फाई करूं. तो मैंने क्या किया, मैंने फिर फॉर्मूला मिल्क भी स्टार्ट किया, पर वो कोई सॉल्यूशन नहीं था. क्योंकि मुझे फिर अंदर से ये फील हो रहा था कि मैं अपने बच्चे के साथ तो गलत ही कर रही हूँ ना. तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एक लैक्टेटिंग पाउडर लिखा और एक लिक्विड भी उन्होंने मुझे बताया था, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी कौन सा है. तो उन्होंने बोला कि आप वो लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो अब मैंने और इसके साइड बाय साइड और क्या क्या चीजें की थी जिससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है जो इंक्रीज होती है. सबसे पहले तो मेरी गायनेक ने मुझे ये बोला था आफ्टर द डिलीवरी कि सबसे पहले तो आपने फ्लूड इनटेक बहुत ज्यादा रखना है, पानी हल्का गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर पीना है दिन का. और आप चाहें तो उसी पानी को, अगर 3 to 4 liters आप दिन का कंज्यूम करते हैं पानी, तो उसी पानी में आपने मेथे होते हैं ना सूखे, मेथे, जीरा और अजवाइन और सौंफ, इसको बॉयल करना और वो पानी पीना है. इससे मिल्क बहुत अच्छे से आएगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. और मेरी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था. तो मैंने फिर क्या किया, मैंने यही किया. और मैंने यही स्टार्टिंग से लेके अपनी, जिस दिन मैं अपने घर आ गई थी उस दिन से लेके मैंने 1 year तक ये पानी पिया ही पिया है, मैंने इसे बंद नहीं किया था. मेथे मैंने बाद में अपने आप से इंक्लूड कर दिए थे 1 month के बाद. मुझे हुआ कि मेथे भी डाल ही सकते हैं, वो भी तो अच्छी है हेल्थ के लिए, तो मैंने वो भी डाल दिए. ठीक है, तो ये एक आप कह लीजिए, ये तो एक मैजिक है कि आप अगर इस पानी को पियेंगे, इट्स अ बेस्ट, आप जरूर पीजिएगा इस पानी को. सेकेंड थिंग, आपने अपने बेबी को फ्रीक्वेंटली फीड करवाना है. ये नहीं कि आपने एक बार अभी करवा दिया फिर आप 3-4 घंटे के बाद करवा रहे हैं, बीच में आप फॉर्मुला मिल्क दे रहे हैं. नो, आप अपने बेबी को जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीड देंगे उतना ज्यादा ही आपकी ब्रेस्ट की मिल्क सप्लाई ज्यादा आए. ठीक है, तो आपने क्या करना है, दिन में एटलीस्ट, मतलब कम से कम नहीं तो 15 to 18 times तो फीड बच्चे को होना ही चाहिए, इतना तो बच्चा भी लेता ही है. देन कम्स द थर्ड पॉइंट, आपने जब भी बच्चे को फीड देनी है, ये नहीं कि आपने वन साइड से ही देनी है, नहीं, आपने बोथ लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से फीड देनी है. एंड 15 minutes अगर आपने एक साइड से दिए तो 15 minutes आप दूसरी साइड से भी देंगे. इससे क्या होता है कि इक्वली जाएगा एंड वो फिर एक बैलेंस बन जाता है. एंड डेफिनेटली फिर दोबारा जो आपका जो मिल्क बन रहा है वो बहुत अच्छे से बनेगा और उसमें कोई इश्यू प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी कि एक से आपने लैच करवा दिया, बेबी को पिला दिया और दूसरे से नहीं करवाया तो ये प्रॉब्लम देते हैं. क्योंकि फिर क्या होता है कि एक ब्रेस्ट का जो साइड होता है उसमें ना गांठें बन जाती हैं, वो हार्ड हो जाती है क्योंकि उसमें से आपने फीड करवाया नहीं, वो अल्टीमेटली आपको ही पेन देगा. और फिर क्या होता है, वो जो दूध होता है वो बनना ही फिर बंद हो जाता है क्योंकि ब्रेन में सिग्नल जाता है कि यहां से तो फीड गई नहीं है और अब जरूरत होगी नहीं, तो वो फिर बनना बंद हो जाता है. इसलिए दोनों साइड से करवाइए 15-15 minutes ईच. ठीक है, देन कम्स कि इन केस अगर जो मिल्क है आपका बेबी ने कम पिया है, ठीक है, कम पिया है या फिर छोड़ दिया है बीच में, या फिर आप फॉर्मुला मिल्क भी दे रहे हैं, फिर भी आप अपने, एक ब्रेस्ट पंप आता है उससे आप अपने उस मिल्क को
पंप करके रखिए, निकालिए उसको जरूर, क्योंकि इससे फिर ये सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं कि हाँ अभी कंज्यूम हो रहा है तो अभी बनाने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है, हम छोड़ देते हैं जब फीड देना बच्चे को, या फिर हम उसको पंप आउट करना मिल्क को छोड़ देते हैं ब्रेस्ट पंप से, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ना वो सप्लाई ही बंद होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, खुश रहना है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो ये होता है कि आपका घर का एनवायरनमेंट होता है, तो या फिर आपको थोड़ा ये भी होता होगा, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि जॉब भी कर रही है, वर्किंग भी है, कुछ मदर्स छोड़ के भी अपने बच्चों को जाती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है यार। ठीक है, खुश रहना है, मस्त रहना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे आपके जो ब्रेस्ट फीड होती है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हैप्पी हैप्पी रहना है, खुश खुश रहना है। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट थिंग कि आपने रेस्ट लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने रेस्ट लेनी है, आपने अच्छे से सोना है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो बार बार उठते हैं, वो रात को भी बहुत बार उठते हैं, और हमारी नींद मदर्स की पूरी नहीं हो पाती है, जिससे कि जब हमारा लैक ऑफ रेस्ट होगा तो बट ऑब्वियस वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, जो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेस्ट फीड पे असर करता है। तो इसलिए आपने प्रॉपर रेस्ट लेनी है, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मसाज। मसाज आपको जब आप घर पहुंच जाते हैं डिलीवरी के बाद, उस दिन से नेक्स्ट वन मंथ तक आपने मसाज लेनी ही लेनी है, जरूर लेनी है। मसाज बहुत बेनिफिशियल है, इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है, और जिसकी वजह से भी आपका ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसका सप्लाई इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है, तो आपने ये जरूर करना है मसाज। एंड आफ्टर वन मंथ जैसे जो दाई माँ या फिर जिसको भी आप बुला के, जो ट्रेन्ड होते हैं उनको बुला के आपने जब करवा ली, वो चले गए, उसके बाद आप खुद भी मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर ये चीज करिएगा। ठीक है, तो बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई ऑयल यूज किया, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव, वट एवर द ऑयल यू आर यूजिंग, उसको आपने वॉश आउट करना है। ये ना हो कि वो कहीं आपके निप्पल्स पे लगा हो आगे, और बेबी जो है वो कहीं जब स्लैच करने लगे, सक करने लगे, तो उसके मुंह में वो टेस्ट जाए, नहीं, वो गलत हो जाए ये चीज, है ना। तो जस्ट वॉश इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये ध्यान करना है कि आपका बेबी जो है वो प्रॉपर पोजीशन में है लैच करने के, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम कभी कैसे बैठ जाते हैं, कभी कैसे बैठ जाते हैं, नो, ऑलवेज सिट लाइक दिस, अपने बेबी को ऐसे पकड़ के ही आप प्रॉपर उसको लैच करवाएंगे। ठीक है, ये भी एक पोजीशन होती है जिससे ये भी बहुत इम्पैक्ट देता है आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, तभी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जरूर कमेंट करिए। ओके, till then take care and bye bye, thank you, bye।